नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और आज मैं सिखाऊंगा आपको कि विंडोज 10 में 6 तरीके से कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला तरीका है प्रिंट स्क्रीन। अपने लैपटॉप के बटन में या फिर डेस्कटॉप के कीबोर्ड के बटन में आप प्रिंट स्क्रीन का बटन देख सकते हैं। जब आप उसे दबाएंगे तो एक्चुअली होता ये है कि आपको जो डिस्प्ले है, जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कॉपी हो जाता है। स्क्रीनशॉट वो सेव नहीं होकर वो कॉपी हो जाता है। आप उसको किसी वेब पेज पर और कहीं भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते नहीं मुझे पेस्ट नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट सेव करना है, तो उसके लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्च बॉक्स पे और वहाँ टाइप करना पड़ेगा पेंट। पेंट को ओपन करने के बाद ऊपर कोने में आप देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर कंट्रोल प्लस वी दबाइए और ये पेस्ट हो गया। अब इसे आप सेव कर सकते हैं पीएनजी, जेपेग, बीपीएम, जीएफ और अदर फॉर्मेट में। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है स्क्रीन स्निप। जब आप अपने एक्शन सेंटर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन स्निप का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करें और एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट पे जाकर यहाँ ऐड है, मेरा भी ऑफ है क्योंकि मैंने सब शॉर्टकट तरीका यहाँ पे ले आया हूँ। आपका अगर नहीं आया होगा तो यहाँ पे ऐड का ऑन रहेगा, क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पर है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, रेक्टेंगुलर स्निप, फ्री फॉर्म स्निप, विंडो स्निप और फुल स्क्रीन स्निप। तो आप चार तरीकों में किसी एक तरीका को यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है जो आपको किसी पार्ट में, मतलब आपको डिस्प्ले में किसी पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए रेक्टेंगुलर टूल बहुत अच्छा है। जैसे देखिए मैं इसका सिर्फ लेना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए। आप इसी तरीके को आप दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा विंडोज की प्लस शिफ्ट की प्लस एस। तो ये स्क्रीन स्निप का शॉर्टकट तरीका है। तीसरा ऑप्शन है एक्सबॉक्स गेम बार। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा अपने सर्च बॉक्स में और यहाँ टाइप करना पड़ेगा एक्सबॉक्स। जब आप एक्सबॉक्स टाइप करेंगे तो पहले आपको एक्सबॉक्स गेम बार दिखता होगा, आप इसे ओपन कर ले। और ये एक्चुअली गेमर्स लोग के लिए है, जो स्ट्रीमिंग करते हैं, जो बेस्ट गेमिंग रिजल्ट चाहना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, विंडोज का डिफॉल्ट है। और यहाँ पर अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ऑप्शन आ रहा है कैमरा का आइकन बना हुआ है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गेम के लिए भी काम करता है, गेम में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे। जब इसे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपको ले आगे। बहुत सिंपल तरीका, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपना गेम को, गेम स्क्रीन को। तो इसी तरीके को आप दूसरे तरीके से खोल सकते हैं। उसके लिए खोलने का तरीका आपको मैं बता दूं, तो दूसरा तरीका है विंडोज प्लस जी। तो ये लीजिए, आपका फिर से ये आ चुका है। अब इसका एक और शॉर्ट तरीका, मतलब तीसरा तरीका, बहुत शॉर्ट तरीका है, वो है विंडोज की प्लस आल्ट की प्लस प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीनशॉट सेव हो गया। अब एक और टूल है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। जब आप सर्च बॉक्स में आएंगे तो स्निपिंग टूल जब आप टाइप करेंगे तो ये एक्चुअली जो मैंने आपको सेकंड तरीका बताया था स्क्रीन स्निप एक्शन सेंटर में जाकर, ये वही तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, वो नया वर्जन है। अब ये स्निपिंग टूल बंद होके स्क्रीन स्निप में मूव हो जाएगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं इन फ्यूचर अपडेट स्निपिंग टूल विल बी मूविंग टू ए न्यू होम। तो ये वही तरीका है, जैसे उसमें मोड आप चेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, विंडो स्निप, फुल स्निप स्निप। और यहाँ पर आप मोड चूज कर लिया, जैसे रेक्टेंगुलर स्निप यहाँ चूज किया स्क्रीन स्निप इसे। लेकिन इसमें आपको मैनुअली सेव करना होगा, फाइल में जाकर सेव एज पर सेव कर सकते हैं। और लास्ट तरीका है विंडोज की प्लस प्रिंट स्क्रीन, और आपको स्क्रीनशॉट ले आ गया। ये थे कुछ स्क्रीनशॉट लेने के तरीके इन विंडोज। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो इस वीडियो करें लाइक और दे बिग थम्स अप, और साथ में सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें कि जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।